दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम वापी में हैं और वापी से ये हाईवे ऊपर जा रहा है। इधर अहमदाबाद सूरत और इधर जाएंगे तो मुंबई, आगे पूना, कन्याकुमारी तक। तो यहाँ से हम मुंबई जाने वाले हैं, देखते हैं हमें क्या साधन मिलता है। बने रहे पूरे वीडियो में मेरे साथ में, पूरा सफ़र का एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं। ये आज की गुजराती थाली और ये रेस्टोरेंट और ये हमारी हाईवे, ये पूरा किचन का हिसाब किताब, ये हमारा खाना, ये और छाछ वगैरह, मिर्ची चना क्या क्या है देख ले। ये हमारी बस जाखड़ की हमें मुंबई तक लेके जाने वाली है। आइए बैठते हैं इसमें। तो दोस्तों ये हमारी गाड़ी जो हमें मुंबई तक लेके जाने वाली है और ये भाई साहब ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं और ये अंदर केबिन का व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, और ये हाईवे सामने। दो तीन घंटे में भाई साहब बता रहे हैं कि मुंबई पहुंच जाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या क्या रास्ते में आने वाला है। आप बने रहें पूरे वीडियो में, मज़ा आने वाला है। मेरे साथ में आप भी इंजॉय करें, पूरा वीडियो देखें। और ये गाड़ी का अंदर का हिसाब किताब, जाखड़ ट्रेवल्स। और ये गौशाला के लिए पैसा भी इकट्ठा किया जा रहा है। पानी की बोतलें जो देते हैं अंदर, सवारियां जो चलती हैं उनको। और ये हाईवे मुंबई का। ये देखिए नदी का बहाव कितना तेज है। और ये इधर भी नीचे पूरा नदी नदी बह रहा है। दोस्तों ये बस जोधपुर से मैंगलोर चलती है और लकीली मेरे को ये यहाँ पर वापी में मिल गई है। काफ़ी लंबा सफ़र ये भाई साहब बता रहे हैं जैसे करते हैं, 2400 किलोमीटर का ये पूरा एक तरफ का सफ़र है। तो आके वापस जोधपुर आएंगे तो 5000 किलोमीटर हो गया। बहुत ही लंबा सफ़र है ये, दिन रात ये चलते रहते हैं। और हम तो इसमें मुंबई तक जाएंगे लेकिन ये आगे फिर बेंगलोर जाएंगे। ये हिसाब किताब इस बस का मैंने आपको बताया। ये हमारी गाड़ी जाखड़ ट्रेवल्स की, काफ़ी लंबा सफ़र तय करती है ये गाड़ी। जैसे अभी ड्राइवर से बात हुई तो उन्होंने बताया जोधपुर से ये चलती है, कल शाम को चली थी, पूरी रात चल के आई है और आज पूरा दिन चलेगी और आगे आ रही जो रात आ रही है उस रात भी चल के कल अगले दिन ये बेंगलोर पहुंचेगी। बेंगलोर तक का इसका सफ़र 2500 किलोमीटर का है, जो दो रात और एक दिन में ये पूरा करती है। काफ़ी लंबा सफ़र ये गाड़ी तय करती है। और ड्राइवर ने जैसे बताया कि इतनी लंबी सफ़र की यही गाड़ी है, इससे लंबा कोई सफ़र भारत में नहीं है। तो ये हमारे भाई साहब ड्राइवर साहब हैं जो अभी डीजल डाल रहे हैं और यहाँ पर खड़े हैं। बहुत ही लंबा सफ़र ये गाड़ी तय करती है। बने रहे पूरे वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस यात्रा में बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये यात्रा में 7000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूँ। पूरे कोस्टल भारत को हम देख रहे हैं और जिसमें 50 सिटी आने वाले हैं, 14 स्टेट आने वाले हैं। अगले 2 महीने तक ये सफ़र चालू रहेगा। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको लाइव अपडेट वहाँ पर मिलती रहती है। और यदि आप फेसबुक पेज को
लाइक करते हैं तो वहाँ भी अपडेट आपको मिलती रहती है। ये गुजरात महाराष्ट्र का बॉर्डर है, अभी तो बंद हो गए। पुलिस वाले को देना, अभी गुजरात से महाराष्ट्र में इंटर हो गए हैं। अभी अभी बॉर्डर गया है और ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा महाराष्ट्र का है। एक बड़ा सा इधर भी कोई स्टोर टाइप का कुछ बना हुआ है और ये आप देखें हाईवे, तीन ट्रैक इधर है, तीन ट्रैक उधर है, छह ट्रैक का पूरा बड़ा हाईवे है। सिक्स लाइन का हाईवे हो गया ये पूरा, तीन और तीन छह का। बारिश का मौसम हो रहा है, बादल काफी गहरे काले हो रहे हैं और अभी कुछ बूंदे आई भी हैं, वाइपर से साफ हो गई अभी तो बारिश भी आ सकती है, लेकिन ठीक है हम एंजॉय करेंगे उसको भी। बने रहें पूरे वीडियो में और देखते रहें इस ट्रिप को। ये लो जी, हमने बारिश को याद किया और बारिश भी आ गई है, तेज वाली बारिश आई है। देखिए आप, घटा गंदगोर थी वो दिख रहा था कि बारिश आएगी और अच्छी बारिश शुरू हो गई है। यहाँ पर महाराष्ट्र में एंट्री करते ही हमारा स्वागत बारिश ने किया है और मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना हो रहा है। काफी हाइट पर चोटी के ऊपर मंदिर है, कौन सा मंदिर बताया था? लक्ष्मी माता का मंदिर है और यहाँ पर चार महीने, ये भाई साहब बता रहे हैं, बारिश रोज आता है। ये मंदिर की करामात है या और कोई चीज है, लेकिन चोटी पे मंदिर है और चार महीने तक लगातार। अभी थोड़ा सा धुंधला है मौसम क्योंकि अभी अभी बारिश आई है, ऊपर बादल है तो शायद आप क्लियर नहीं देख पा रहे बस से यहाँ से दूर से, लेकिन ये मैंने आपको नई अपडेट दी है यहाँ पर ये मंदिर की। बाकी आप ये व्यू देख लें, मुंबई का हाईवे और हम जिस बस में सफ़र कर रहे हैं ये आगे बेंगलोर तक जाने वाली है जो जोधपुर से चल के आई है। काफ़ी लंबा सफ़र ये बस तय करती है। बने रहे पूरे वीडियो में और इन्जॉय करते रहे इस ट्रिप को। हम भी 7000 किलोमीटर की ये यात्रा के अगले पड़ाव में मुंबई पहुंचने वाले हैं और आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आप बने रहे पूरे वीडियो में और देखते रहें इस यात्रा को और एंजॉय करते रहें। महाराष्ट्र में इंटर हुए थे उस टाइम बारिश शुरू हुई थी, अभी तक बारिश चल रही है, रुक रुक के बीच बीच में कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन अभी तक बारिश तकरीबन एक घंटे के करीब हो गया हमें चलते हुए, बारिश चल ही रही है। अच्छा सुहाना मौसम हो गया है और चारों तरफ पानी ही पानी, ये देखिए आप पानी ही पानी रोड पर है, थोड़ी सी गाड़ी भी संभाल के चलानी पड़ती है। रोडों के साइडों में जहाँ नीची जगह है वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, छोटी गाड़ियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, वैसे ड्राइविंग में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि रोड गीली हो जाती है तो स्लिप भी हो जाती है तो हादसे होने का चांस रहता है, इसलिए थोड़ा सा ड्राइवरों को संभाल के चलाना पड़ता है। बाकी हम चल रहे हैं मुंबई के
नज़दीक जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हमारी बस ने यहाँ फाउंटेन होटल के पास हमें उतार दिया, बस चली गई। अभी बारिश हो रही है, देखो छाता लेके लोग घूम रहे हैं और हम इस तिरपाल के शेड के नीचे खड़े हैं क्योंकि बारिश आ रहा है चारों तरफ। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।